गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हो चुकी हूँ भी रेडी और मैं जा रही हूँ आज करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं आपको मार्केट में। हम और जब हम यहाँ पहुँचे तो मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल घर भूल गए, वो भी मोबाइल लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ की थोड़ी वीडियो बना। अभी आ चुके हैं मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल लेकर, भूल गए थे घर। और अभी हम चलते हैं। सो गाइस, ऊपर का नज़ारा ये है, कुछ काफ़ी ड्रेसेस हैं ये देखिएगा। और मैंने ये देखी, अपने ऊपर ट्राई करके देखा। गाइस, मुझे पसंद नहीं आई। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मैंने इसको ट्राई किया कि मेरे ऊपर कैसी लगेगी ये। ये भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। मुझे तो यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं अभी जा रही हूँ दूसरी शॉप पर, अभी मैं लिफ्ट में हूँ। और फिर हम चल दिए यहाँ से। और ये मेरा हेलमेट मुझे इतना परेशान कर रहा था, एक हाथ से इसका लॉक ही नहीं लग पा रहा था मेरे से। बार बार हस्बैंड को बोला नहीं रोकने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुके थे हम, हमें अंधेरा यहीं पे हो गया था। अभी मार्केट पहुँचे भी नहीं थे हम और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में। और जब हम मार्केट पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि गाइस, आज संडे भी है, सभी शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। आज ही का दिन मिला हुआ है सबको संडे का, दिन ही ऐसा होता है। अब फाइनली हम अपनी शॉप पर पहुँचे और फिर बाद में हम बाहर आए। देखिएगा यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। आगे जाएंगे ना। दुकानें कितनी प्यारी प्यारी सजी हुई हैं, देखिएगा तो प्यारे लग रहे हैं। मिठाइयाँ वगैरह टोकरे कितने प्यारे लगे हुए हैं, डेकोरेट कितने अच्छे हुए हुए हैं। और ये हमारी करवा चौथ का सामान, करवा और छलनी वगैरह। और जब हम घूम चुके थे तो फिर हमें भूख भी लगने लगी। ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाए मोमोज और पनीर मोमोज, हमने खाया इनको। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए शेक बनवाने लगे, पाइनएप्पल शेक बनवाया मैंने। इसका शेक बहुत टेस्टी होता है, ये बनाने लगे भैया। क्रंची फ्रैपे कर दो मीडियम। अब शेक बना रहे थे, मैंने सोचा इसको भी मैं कैमरे में कैद कर लेती हूँ।
और फिर मैं गई इसको लेने के लिए। बहुत टेस्टी था गाइस, मेरा पाइनएप्पल का है। मैंने पिया इसको, ये मेरे हस्बैंड ने कहा इसको भी टेस्ट करके देखो, ये मेरे हस्बैंड का था, ये भी बहुत टेस्टी था। और गाइस फिर हम थोड़ा मार्केट में घूमने लगे, या मेहंदी लग रही है। ये देखिएगा और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, अब हमने घर के लिए निकलना था। गाइस हम जा रहे हैं घर, हमारी हो चुकी है शॉपिंग जो भी होनी थी। सो गाइस हम अभी घर जा रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, इसलिए मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाई, बहुत भीड़ हो रही थी। गाइस मैं आ चुकी अभी घर, गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी मार्केट से घर, और मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी करवा चौथ की वजह से, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है। मैं वहाँ वीडियो भी ठीक से नहीं बना पाई भीड़ के कारण, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी आज। गाइस मैंने अपने लिए लिया एक ये चूड़ा लिया है, और मैंने क्या कपड़े लिए हैं वो अब मैं आपको करवा चौथ के दिन ही दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या लिया है, क्या पहनने वाली हूँ मैं, वो देखने के लिए आपको मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। और जो मैं फिलहाल अभी यही लाई हूँ मार्केट, गाइस ये है मेरा चूड़ा, देखिएगा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा चूड़ा। और फिलहाल ये लाई हूँ मैं जो पूजा का है, ये करवा, और भी है थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग, जो मेन था वो दिखाने का मैं यही दिखा रही हूँ आपको, और करवा चौथ वाले दिन क्या पहनने वाली हूँ मैं, ये आप मेरे करवा चौथ वाले व्लॉग में ही देख। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का करवा चौथ की शॉपिंग का, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो गाइस इसी के साथ हम मिलते हैं अब करवा चौथ वाले व्लॉग में, बाय बाय।